वजूद के मुकद्दर में मांगना है, जात का वस्फ देना है। कोई इश्क मांगता है तो कोई दुनिया, और जो ये सब नहीं मांगता वो ख्वाहिश का ना होना मांगता है। अगर अल्लाह तुम्हारे जहन में किसी चीज़ का ख्याल नहीं निकाल रहा तो वो इस बात का इशारा दे रहा है कि अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखो। उसके कुन कहने से क्या क्या नहीं होता, दुआओं की तकदीर बदल जाती है, इंसानों के दिल बदल जाते हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है पर उस रब का साथ है तो यकीन रखो तुम्हारे पास सब कुछ है। पर अगर तुम्हारे पास सब कुछ है उस रब के साथ के सिवा तो अफसोस तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। खुदा से वो बात हो जिसमें लफ्ज़ ना हो, आंसू हो, दर्द हो, लेकिन शिकवे ना हो। लोगों की समझ से बाहर हैं जो खुदा को समझ आती हैं। तुम्हारी वो छोटी छोटी कहानियाँ जो तुम्हें इतना रुलाती हैं, जिनको वो अपनी बारगाह में झुकाना चाहता है वही उसके सामने झुक पाते हैं। उसको पसंद है तुम्हारा यूं मांगना, इसलिए तुमको मांगने की तौफीक दी जाती है। बहुत अनमोल हैं तुम्हारे दिल पे ये बेसकूनियाँ जो तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाती हैं। मैं खुदा और इंसान के बारे में आज तक बस इतना ही जान पाया हूँ कि जब मुझे खुदा की ज़रूरत पड़ी तो उसने इंसान का रूप धार लिया, और जब जब मुझे इंसान से काम पड़ा वो खुदा बन बैठा। जुमला बहुत छोटा है लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह की तरफ आ जाओ इससे पहले कि अल्लाह पाक तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। जानते हो मोहब्बत क्या है, वो सारा दिन हमारे गुनाह और नाफरमानियाँ देखता रहता है और सुबह अपने ही फरिश्तों के हाथों हमारा रिज़्क भेज देता है। जो अल्लाह के कामों में लग जाए अल्लाह उसके कामों में लग जाता है। जिस दिल में अल्लाह पाक की याद हो वो अल्लाह का अपना दिल होता है।